हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माय होम मेकिंग जर्नी बाय अपर्णा। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट मिनट क्विक येट ब्यूटीफुल गणपति डेकोरेशन आइडियाज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मैंने कुछ दो तीन चीज़ें अमेज़ॉन से मंगवाई थी, जैसे कि वो आर्टिफिशियल कलरफुल फ्लावर्स और ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स। और मैंने मेरीगोल्ड फ्लावर्स के स्ट्रिंग्स मंगवाए थे, वो पूरा वैक्यूम पैक थे। आई वॉज़ डाउटफुल कि कैसे निकलेंगे, पर उनको खोलने के बाद फिर उनको सबको अच्छे से फिक्स करना पड़ा। सारे जो फूल है वो ऐसे दब गए थे, तो इट टुक सम टाइम, बट देन उनको अच्छे से नीट करेक्ट करने के बाद वो अच्छे लग रहे थे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी आइडियाज़ मिली हो, जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर माय वीडियो। तो लिविंग रूम में टीवी यूनिट के पास में जो वॉल है ओपन स्पेस, तो वहीं पे मैं गणपति जी की स्थापना करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेरी जॉर्जेट की साड़ी ली है, तो आई वॉज जस्ट चेकिंग कि कितना साइज़ है। तो उसके लिए मैंने जूट थ्रेड लिया है और ये पुश पिंस है वो मैं यूज़ करूँगी। तो यूएसए में वुडन वॉल्स रहते हैं, तो पुश पिन से आप इजीली जो भी लाइट वेट चीज़ें हैं वो आप आराम से हैंग कर सकते हो। तो साड़ी का नाप लेते हुए ये जो वुलन जूट का थ्रेड है उसका मैंने नाप लेके फिर वॉल पे मैंने ऐसे फिक्स कर लिया था यूजिंग पुश पिंस। और फिर साड़ी को मैंने जूट थ्रेड में डाल के उसके विड्थ के अकॉर्डिंग मैंने जो दूसरा एंड है उसको भी मैंने फिक्स किया। और ये लिटरली लास्ट मिनट डेकोर आइडिया है, सो आई हैड नॉट प्लान्ड एनीथिंग बिफोर। तो जो भी मेरे मन में बस आते गया एंड जस्ट आई केप्ट डूइंग इट। और साड़ी को जूट थ्रेड की हेल्प से मैंने वॉल पे अच्छे से प्लेस कर लिया है। और मैंने पर्पसफुली जॉर्जेट की साड़ी ली है ताकि वो लाइट वेट हो और उसका जो थ्रेड हमने हैंग किया है वो उसका जो वेट है वो ले सके। और मेरा जो ये सेंटर टेबल है वो मैंने उसके आगे प्लेस किया है, उसी के ऊपर मैं गणपति जी की स्थापना करूँगी। और अभी टेबल पे बिछाने के लिए मैंने और एक साड़ी लिया है, तो उसको हम उस पर रखेंगे। तो ब्यूटीफुल सा एक मजेंटा कलर की साड़ी है विथ गोल्डन बॉर्डर। पहले तो मैंने सोचा था कि साड़ी मैं इस तरह प्लेस करूँगी कि आगे का जो पोर्शन है वो पूरी तरह कवर हो जाए, पर वो जो साड़ी है वो उसके टेक्सचर के वजह से ना थोड़ा स्लिप होके आगे आगे आ रहा था और हाइट कम पड़ रही थी। और फिर मैंने पीछे उनको उसको सरका के ऐसे फिक्स कर दिया है। और आगे मैंने हाफ ही रखा है, नीचे ओपन रखा है ताकि नीचे पूजा का सामान जो भी है वो भी मैं रख सकती हूँ, ऐसे भी अच्छा ही लग रहा था। और साड़ी थोड़ी क्रश थी तो मैंने उस पर आयरन किया और अभी साड़ी काफ़ी नीट लग रहा है। और ये एक टेबल मैट है, मैंने आइकिया से लिया था कुछ महीनों पहले जब मैंने विज़िट किया था तभी। और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है मैं उन पे ऐसे लगाऊंगी। तो पहले तो मैंने सेलो टेप यूज़ किया, पर सेलो टेप से वो अच्छे से फिक्स नहीं हो रहे थे, बार बार गिर रहे थे। देन मैंने स्टिचिंग भी ट्राई की क्योंकि फूलों के बीच में ऐसे होल्स है, यू कैन ईजिली स्टिच, बट दैट ऑल्सो डिडन वर्क क्योंकि वो थ्रेड्स दिख के आ रहे थे। तो फिर मैंने एट लास्ट ग्लूगन का ऑप्शन चूज़ किया। ग्लूगन मुझे इसलिए नहीं करना था क्योंकि वो फ्लावर्स मुझे अगर निकालने हो तो आई कैन री यूज़ इट अगेन फॉर सम अदर डेकोर। और अभी ये मैंने यू पिंस लिए हैं और ये मैं साड़ी में हैंग करने वाली थी, तो उसके जो शार्प एजेस है तो उसको सील करने के लिए मैंने टेप से दोनों ही जो शार्प एजेस है अच्छे से सील कर दिया था ताकि जब मैं उसे साड़ी पे लगाऊं तो साड़ी फटे नहीं। सो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो एंड इट रियली वर्क्स। जो शार्प कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आप टेप से अच्छे से सील कर दीजिए और फिर उसे आप लगाइए। और ये जो मेरीगोल्ड के स्ट्रिंग्स है वो मैंने ऐसे डेकोरेट किया है दोनों साइड में और बीच में ऐसे एज शोन इन द वीडियो।
और ये मैं ब्यूटीफुल से हैंगिंग्स इंडिया से लाई थी। इंडिया में फेस्टिवल के वाइब्स ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं दैन इन अब्रॉड कंट्रीज़। लास्ट ईयर मैं इंडिया में थी तो सारे ही फेस्टिवल, गणपति, दिवाली, नवरात्रि सब मैंने इंडिया में फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। और वहाँ पे डेकोर बहुत सारे, देर आर एन नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ एंड ऑप्शंस, तो जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल था उसी से मैंने क्विक सा ये डेकोर बनाया। और इन्हें हैंग करने के लिए भी मैंने यू पिंस ही यूज़ किया है। सेम उनके शार्प एजेस पे मैंने सेलो टेप से अच्छे से रैप कर दिया था। और फिर पहले यू पिन प्लेस करके उसका जो एक ओपन एज है उसमें मैंने ये जो लटकन है वो उसको मैंने हैंग किया। तो अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो पहले मैंने यू पिन लगा के वो जो ओपन एज है उसमें मैंने इसे टांग दिया था, तो बहुत ही अच्छे से ये फिक्स हो गया था और अच्छा भी लग रहा था। और नेक्स्ट ये जो हमने बैकड्रॉप बनाया था उसको हम प्लेस करते हैं। और इसे फिक्स करने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ किया है। पहले मैंने एक साड़ी के कॉर्नर में चेक किया कि वो निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि आई वॉज़ वेरी वरीड अबाउट दिस साड़ी। इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी, सो आई डिडंट वॉन्ट टू मेस अप विद दैट। पर वो अच्छे से निकल रहा था। और वो जो बैकड्रॉप है वो ज़्यादा हैवी भी नहीं था, तो वो डबल साइडेड टेप से अच्छे से फिक्स हो गया था। नेक्स्ट, गणपति जी को बिठाने के लिए आसन। तो मैंने अमेज़ॉन में आसन कुछ देख रही थी पर मुझे कुछ इतना खास मिला नहीं, और जो भी कुछ था एक दो थे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसी थे। तो देखती हूँ दिस, अगर वीकेंड में मैं जाऊँगी कहीं बाहर तो मुझे कुछ अच्छा मिला तो ले आऊँगी, अदरवाइज़ ये जुगाड़ मैंने किया है। तो ये मैंने बुक्स ली है, वन्या का एनसाइक्लोपीडिया का एक हैवी बुक था वो लिया है, और उसके ऊपर आइकिया का जो ग्लास सेट का बॉक्स था वो मैंने रखा है, और काफ़ी हैवी है, उसमें ग्लासेस है। अगर आप ऐसे कुछ DIY आसन बनाते हो तो कुछ हैवी चीज़ ही लेना, लाइट नहीं लेना, नहीं तो मूर्ति गिर सकती है। तो ये काफ़ी हैवी है, बुक भी काफ़ी हैवी था और उसके ऊपर वो बॉक्स भी। और उस पे मैंने ब्यूटीफुल सा, मेरे पास एक दुपट्टा था तो वो मैंने रैप करके फिर डेकोरेट किया, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था एंड इट वाज क्वाइट स्टर्डी। और नेक्स्ट ये टैसल जो पेपर बॉल्स है वो मेरे पास था, बर्थडे डेकोर के लिए मैंने लिया था पर कभी यूज़ ही नहीं हुआ, तो सोचा चलो अभी इसको यूज़ करते हैं। तो बस उसमें उसके साथ पिंस भी आए थे, तो पुश पिन से मैंने उन्हें, सॉरी वो जो पेपर पिंस है, यू पिंस है, उससे मैंने उसे फिक्स किया। और उसको मैं ऐसे वॉल पे ऊपर से हैंग करूँगी, वो आपको मैं लास्ट में दिखाऊँगी। और बस और कुछ फूलों से डेकोर करते हैं। तो वो जो फूलों की माला थी उनसे मैंने एक ऐसे जो बॉल्स है राउंड्स शेप में ऐसे उनको फिक्स कर दिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो दोनों तरफ मैंने एक एक ऐसे सजाया। और उसके बाद वो जो हमने बैटरी ऑपरेटेड मैंने लाइट्स लिए थे अमेज़ॉन से, उसको मैं उन फूलों के अराउंड मैं उनको लगाऊंगी और फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। तो काफ़ी ये ब्यूटीफुल लाइट्स थे तो उनको मैंने ऐसे फूलों के अराउंड ऐसे प्लेस कर दिया। सेंटर में एक रखा है और साइड्स में ऐसे थोड़े थोड़े गैप में मैंने और रखे हैं। और ये पूरा प्रोसेस करते हुए मुझे काफ़ी मज़ा आया। जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप कर रही थी आई वॉज़ लाइक कमिंग अप विथ मोर आइडियाज़। तो और मेरे पास ज़्यादा डेकोर के पीसेस या चीज़ें नहीं थी, जो भी मेरे पास अवेलेबल चीज़ें थी उसी से मैंने किया है। और फूलों के साथ कुछ बटरफ्लाइज आए थे तो उनको भी सेलो टेप के हेल्प से मैंने ऐसे साइड्स में लगा दिए हैं। और बस ये ब्यूटीफुल सा, सिंपल सा बट येट बहुत ही सुंदर सा ये जो डेकोरेशन है गणपति जी के लिए वो रेडी हो गया है। आप मुझे बताना कि आपको ये डेकोरेशन आइडिया कैसा लगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी आइडियाज़ मिलती हैं और ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो, डेकोर आइडियाज़ अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। हर ट्यूसडेज़ और फ्राइडेज़ को मैं मेरे चैनल में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ रिलेटेड लाइफ स्टाइल, मॉमी लाइफ इन USA, रूटीन ब्लॉग्स, DIY ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज़, ट्रैवल वीडियोज़, होम मेड रेसिपीज़। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
मे लॉर्ड गणेशा शॉवर हिज ब्लेसिंग्स ऑन ऑल ऑफ अस फॉर अ हैप्पी हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड बाय.